The JNU campus witnessed unrest after a deadly clash between the ABVP and the Left Alliance students from National Students Union of India and All India Students Association. It is reported that the clashes broke out over the serving of non-vegetarian food and disruption in Ram Navami Puja. The Left Alliance members accused ABVP of imposing a ban on non-vegetarian food. On the other hand, the ABVP members accused the NSUI members of obstructing the conduct of puja and havan program on the occasion of Ram Navami. This led to an altercation between the two groups, which soon turned violent. आज का इंसिडेंट है जेएनयू के कावेरी लॉन में कुछ छात्रों द्वारा पूजा की आयोजन किया गया था, रामनवमी की पूजा। सब कुछ शांति से था, सब कुछ सही हो रहा था। कुछ लोग, ये लेफ्ट वाले लोग थे, जिन्होंने आकर बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उनका मेन मोटो ये था कि पूजा ना होने दिया जाए। वो झूठ मूठ करा के झगड़ा कर रहे थे, रॉड लेकर आए थे। वो बॉटल्स होती है कांच की, लड़कियों के हाथ में मारा गया है, हाथापाई हुई है, गाली गलौज, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यही लोग आके कैंपस में मोबिलाइजेशन करके लोगों को डरा रहे हैं और उसके बाद भ्रम फैला रहे हैं कि एबीवीपी के छात्र मेस का नाम लेके झूठ मूठ के आ रहे हैं। आज का इंसिडेंट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहले भी हो चुका है। इसी कैंपस में दुर्गा माता को कितनी गंदी गंदी गालियां दी गई है। यहाँ के लोग, यहाँ का स्पेशली लेफ्ट, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाता है और इतना हिंदू फोबिक, इतना हद से ज्यादा हिंदू फोबिक कि एक पूजा इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और अभी इतना डर का माहौल बना के रख दिया इस कैंपस में, इसमें क्या ही कहा जाए। लड़कियों को चोट आई, इतनी हाथापाई हुई अंदर, इसके लिए ये लेफ्ट जवाब देगा? ये जेएनयू से का पर्चा आएगा कल कि एबीवीपी के गुंडे कर रहे थे ऐसा। वो क्या कर रहे थे इस कैंपस में, इसका जवाब कौन देगा? At least 15 students from either side have reportedly sustained injuries and have been taken to the Safdarjung Hospital. Moreover, the AISA and the NSUI students staged a protest march from JNU to Vasant Kunj police station to lodge FIR in connection with the incident. 4-5 baje ke aaspaas hame khabar aayi कि कावेरी हॉस्टल में कुछ 30-40 एबीवीपी के स्टूडेंट्स वहाँ पे आज जो नॉनवेज बनने वाला था उसको रोकने के लिए मेस मैनेजर को धमकी दिया और जो चिकन पहुँचाने के लिए वेंडर आया था उसको भगाया और वहाँ के मेस कमेटी के लोगों पे हमला किया। हम तुरंत वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे हमने एक कागज तुरंत डीन ऑफ स्टूडेंट्स को, वार्डन को, सब लोगों को लिखा कि इस तरीके का चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स से डिसाइड किया हुआ वेन्यू है। जो लोगों को जो खाने का आज़ादी है उसको रखिए, जिसको नॉनवेज नहीं खाना है उसके लिए वेज का खाना हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग का कॉल टेफ्लास में हुआ था, सारे साथी वहाँ मौजूद वहाँ पे गए थे और 7:30 और 7:45 के बीच में हमारे पास एक मैसेज आता है कि एबीवीपी के गुंडे वहाँ के स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। क्या गुनाह कर दिया हमने कि हमने सिंपल सी बात पूछा कि हम जो खाना खाना चाहते हैं इस पे आपकी क्या रोक है, और हर जगह पे एबीवीपी जाके झूठ फैला रहा है कि हमने उनके पूजा को रोका। रिपोर्ट, ओटीवी न्यूज़।